वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स में। नया दिन, नई सुबह और नया व्लॉग हाजिर है आप लोगों के लिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है पानी क्यों डालते हैं इस रोड पे ये लोग, मतलब क्या है भाई, इतना कीचड़ हो जाता है इस रोड पर, पता नहीं चलाने में भी अजीब लगता है साड़ा। बच बच के चलो कीचड़ से, तो ज़बरदस्ती का कीचड़ डाल रखा है और कोई वो नहीं है। खैर कोई नहीं, ये बेटे लौंडे ने भगाई तो, बट हम नहीं भगाएंगे, हमें ठंड लग रही है, आराम से लेंगे। तो भाई अपन ने आज अपनी बाइक में पूरा चैन वैन बढ़िया से करके लुब्रिकेंट वगैरह पहले क्लीनिंग करी सुबह उठ के आराम से, और फिर ऑयल वगैरह डाला। थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी थी, खड़े खड़े भी होता ना धूल मिट्टी चिपकती रहती है इसमें, तो वो सब बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा इसको साफ़ कर देते हैं, एक बार साफ़ रहती तो स्मूथ चलती है काफ़ी, आवाज़ वगैरह चेंज जाती है चैन से, तब काफ़ी बढ़िया चल रही है। ठंड में दिक्कत एक और है, ठंड में भी लुब्रिकेंट ना, चैन लुब्रिकेंट है सारा जमता सा है, जैसे हार्ड हो जाता है उस पर, हार्ड इन द सेंस ऐसा हार्ड नहीं जैसा पत्थर, मतलब वैसे गर्मी में क्या होता है हीट होकर पिघलता है, ठंड में थोड़ा सा वो ग्रीस टाइप जैसा रहता है तो चिपकता भी ज़्यादा है उस पर, मतलब साफ़ करने में भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो अपन ने तो वही रॉयल एनफील्ड का पड़ा हुआ था क्लीनर, क्लीनर मारा रॉयल एनफील्ड का और लुब्रिकेंट मार दिया अपना सस्ते वाला, चल जाएगा ये भी काफ़ी ठीक चल जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती इसमें भी। सीबा का अबे साइकिल क्यों तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, क्या कर रहा है ये? अच्छा पत्थर तोड़ रहा है, मैं कह रहा साइकिल गिर रखी है और उसके ऊपर पत्थर ले खड़ा, मुझे लगा पत्थर से साइकिल तोड़ रहा है अपनी। एक तो ये रोड बन के राजी नहीं हो रहा है, पता नहीं कब बन के राजी होगा इनका रोड और कब पब्लिकली ओपन होगा, ये जुगाड़ रोड चल रहे हैं, ये टेम्परेरी रोड दे रखा है लोगों को, एक्चुअल में रोड इधर नहीं, रोड लेफ्ट साइड में बनने का, उधर वो नहीं भी बना तो ये पब्लिक के लिए तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हाईवे जाएगा, ये एक तरीके से हाईवे वालों का रोड है, मतलब हाईवे है ये, अभी ओपन नहीं हुआ है तो इसलिए लोकल यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि रोड बगल में बनेगा लोकल्स के लिए, जो लोकल लोग हैं उनके लिए, अदरवाइज़ इस पर सीधा ये मुंबई वगैरह के लिए जाएगा, यहाँ से निकलो मुंबई, देखा ये उधर कनेक्ट हो रखा है सामने, फिर ऊपर चढ़ जाओ और ये वाला बनेगा लोकल्स के लिए, लोकल्स इन द सेंस हमारे लिए जिन्हें मुंबई नहीं जाना। पानी में धुआं कैसे निकल रहा है हल्का हल्का सा भाई, आज तो फॉग कम सा हो रखा है, कल काफ़ी था पता नहीं क्यों, पानी के ऊपर भी ना धुआं नज़र आ रहा था ज़्यादा ज़्यादा, आज तो बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है, मतलब ध्यान से देखने पे वरना कल पानी के ऊपर धुआं सा नज़र आ रहा था। ठंड भी ठीक ठाक हो गई सुबह शाम की तो यार, मतलब लगती है। दिल्ली की सर्दी यही है, चुभती सी है इस बॉडी में, वैसे नहीं गिरेगी बर्फ़ बर्फ़ गिर जाए, अगर बर्फ़ बर्फ़ गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा वैसे दिल्ली में। गौ माता हमने निकलने तो पहले, चलो
अभी ना जबरदस्ती का पानी गिर रखा है इस रोड पे, जबरदस्ती का। अरे जब धूल मिट्टी उड़े तब गिराओ, तब तो चलो समझ में आता है कि हाँ धूल मिट्टी के चक्कर में गिरा दिया है। अरे रोज गिरता है, आज नहीं रोज गिर देते हैं इसको, पता नहीं क्यों। इस रोड के चक्कर में बाइक साफ करने का मन नहीं करता मेरा, सिर्फ इस चक्कर में कि अभी कर दूंगा, घर से निकलूंगा फिर कीचड़ कीचड़ अंदर सारा। बाइक भी साफ किए हुए भाई टाइम हो गया मेरे को, मैंने काफ़ी टाइम से साफ नहीं करी वैसे बाइक, सही बताऊं तो पर्सनली। जो कि मुझे कर देनी चाहिए, देखते हैं सैटरडे संडे में टाइम मिला तो करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से, क्योंकि सर्विस का टाइम तो अभी है नहीं, जो सर्विस पे धुल जाएगी सोच के बैठूँ मैं तो, अभी तो मुझे धो के ही रखनी पड़ेगी। देखो बगल में मेट्रो चल रही है, इधर हम चल रहे हैं, बीच में ब्रेकर आ गया है, ये ले। तने किस अकलमंद ने बनाया बीच में ब्रेकर, जबकि कोई जरूरत है नहीं। ओए तेरे गल रे, MTV का मुझे सॉन्ग याद आ गया था, हसल में चल रहा है काफी ठीक ठाक, वो गुनगुनाने लग गया था। चलो 5 4 3 2 1 गो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो चलो चलो, निकल गए, किस्मत अच्छी थी वरना बहुत लंबी रेड लाइट पड़ जाती है। जाने का 30 सेकंड है, रुकने का 1.5 मिनट है शायद। आज हम दूसरे रोड से चलते हैं, वैसे हम उस वाले लेफ्ट वाले से जाते हैं, आज राइट वाले से जाएंगे, राइट वाला अच्छा है। पर मैं स्पेशली जाता था, इसमें खड्डे बहुत थे साले पे, अब ठीक ठाक हो गया ये, पता नहीं क्या सब खड्डे वड्डे नहीं लगते इस पे भाई। आज सच में बहुत कम हुआ है, कल मेरे को सही बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, बगल में ना दिख नहीं रहा था कुछ भी, इतना फॉग पड़ रहा था यहाँ पे, क्योंकि नीचे वो है यमुना जी, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, और आज साफ दिख रहा है, नीचे कूड़ा का भाड़ा भी पड़ा वो भी दिख रहा है, कल नजर नहीं आ रहा था। आज साफ है मौसम, मतलब काफ़ी, या तो फॉग कम है या फिर पॉल्यूशन कम है, दो में से एक चीज़ को कम है कुछ। वैसे फॉग कहीं नज़र आए ना आए, यहाँ जरूर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो नीचे नहर है। अरे यार अंकल ने भी गाय बेच यहीं छोड़ दी रोड पे, और यहाँ पे ना पूरा ये पीछे मतलब मेरे राइट साइड में पूरा नदी नदी उधर नदी है, पूरे झील टाइप की जो यमुना जी का है, वो पूरा एरिया है ये, मतलब जहाँ तक ये पेड़ नज़र आ रहा है बताता हूँ, वहाँ तक पूरा मतलब पानी वाला एरिया है, तो यहाँ पे फॉग और ठंड दोनों दबा के होता है भाई। ये मेरे लेफ्ट है बर्ड सेंचुरी है ना, ये पूरा तालाब है एक तरीके से अंदर, तो यहाँ तक है पूरा पानी पानी, यहाँ तक नहीं यहाँ तक है शायद, हाँ ये ब्रिज से लगा रखे ना साइड में रेड वाइट, इसके नीचे नदी है तो है, तो इसलिए यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फॉग भी होता है, ठंड भी यहाँ पे ठीक ठाक लगती है भाई, बाकी कहीं लगे ना लगे। टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया है 40, और मैं कुछ और सोच रहा था, बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना इस वाले रास्ते चलेंगे पक्का, इस वाले रास्ते चलेंगे दूसरे वाले से, उधर से देखेंगे कितना टाइम लगता है हमें जाने में, इधर से कितना लगता है, अगली बार ट्राई करेंगे वो वाला रूट। और जब इस पे आ चुके, क्योंकि टाइम कम है, दिक्कत ये है थोड़ा, अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकलता ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा निकल जाता कि एज ए रिस्क के तौर पे, क्योंकि इधर से पता है मुझे कितना टाइम लगेगा पहुंच जाऊंगा,
उधर से आइडिया नहीं है मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि उधर रेड लाइट है काफ़ी सारी, कम से कम 4-5 तो रेड लाइट आराम से मेरे को जहाँ तक लगता है, बट इधर रेड लाइट नहीं है इसलिए मैं इधर से जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इधर से बिना रुक टोक के निकल जाए आदमी, उधर दिक्कत होती है। बट हाँ उधर का माहौल अलग है, ये बात भी साफ है भाई, दिखाऊंगा जब जाऊंगा ना उस वीडियो पे, उस पर दिखाऊंगा। उस पर भाई बहुत वो रहता है भीड़ भाड़ सा एरिया, भीड़ भाड़ इन द सेंस ऐसा भीड़ भाड़ नहीं, इस टाइम तो खैर नहीं होगा, सुबह सुबह उधर भी नहीं होता होगा क्योंकि मैं इस टाइम पे गया नहीं उस साइड से ही बताऊँ तो ये, बाकी जाके ट्राई करेंगे क्योंकि उधर पूरा मेट्रो लाइन है तो उधर बढ़िया हिसाब किताब रहता है, मतलब देखने मज़ा आता है, आँखों को आराम मिलता हुआ रहता है, आँखों को आराम मिलता है तो मतलब समझ जाओ। इस रोड पे सन्नाटा मिलता है, कोई नहीं मिलता, दूर दूर तक रहते हैं लोग, दूर दूर तक नहीं रहते लोग, वो वाला सीन है, उस रोड पे ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार जाएंगे उस रोड से पक्का। हालांकि मैं आज जल्दी उठ गया था, रेडी भी हो गया था जल्दी, बट मैं सोच रहा था सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे बैग में ना काफ़ी सामान भरा पड़ा है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कैमरा वैमरा कैसे रखूँगा, इतना बैग भरा पड़ा है पूरा, तो मैं कंफ्यूज था आज के लिए कि ले चलूँ रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही देंगे बैग में, नहीं है तो खाली कर देंगे साला, बैग खाली कर देंगे फिर जगह बना देंगे और क्या। आई एम द न्यू, क्या न्यू भाई, फिटविला जिम खुला है लग रहा है, वैसे मुझको इतनी ठंड लगती नहीं है सही बताऊं, बट अभी स्टार्ट है ना तो ज़्यादा फील हो रहा है, एक बार आदत हो जाएगी तो फिर नहीं लगेगी इतनी ठंड, क्योंकि मेरे को इतनी ठंड लग चुकी है, इतनी ठंड लग चुकी है कि ये ठंड ठंडी नहीं लगती मुझे सही बताऊं तो। इतनी ठंड मुझे इसलिए लगी थी क्योंकि मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर की स्नो में मतलब वहाँ की ठंड में मेरे शूज़ वगैरह जो गुलमर्ग में खेलते ना, तो वहाँ मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मतलब ऐसे ही मेरे शूज उतर गए थे, तो नंगे पैर उस स्नो में मैं रहा था कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम मतलब आई थिंक 2-3 मिनट रहा होगा हद से हद, उतने में मेरे को बेहोशी छा गई थी, मतलब इतनी गंदी हालत हो गई थी और इतनी ठंड खा ली थी मैंने, तो जब से ना मेरी ठंड का ना वो निकल गया है बॉडी में से, इतनी ठंड लगती नहीं मुझे ज़्यादा अभी भी, मतलब मैं कितनी भी घुमा लो ठंड में मुझे इतना वो नहीं होता, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पहन के और एक जैकेट डाली बस हो जाता है काम मेरा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए कि हाँ बॉडी के अंदर भी पहनो बाहर भी पहनो, हो जाता है मेरा काम, एक्सपीरियंस हो गया। और अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है ना तो कश्मीर की मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी, वहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, कश्मीर की भी होगी, मनाली के स्नोफॉल की भी होगी, हर जगह की मतलब है, काफ़ी ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ स्नो का मज़ा ले सकते हो। कश्मीर में दिसंबर में गया था मैं, क्रिसमस के टाइम पे ही, मतलब न्यू ईयर और क्रिसमस के बीच में गए थे हम, तो भाई वहाँ पे बहुत गंदी ठंड पड़ती है, बहुत गंदी, मतलब सुबह उठ के हम डल लेक में हमने बोट हाउस में स्टे किया था, और वहाँ पे जब सुबह उठे तो भाई वहाँ पे मतलब पानी जम गया था, उसका भी क्या कहते हैं जो झील है डल लेक का पानी तक जम गया था, बट वो जमा पानी मतलब इतना नहीं था, बट ये था कि उस पर एक लेयर आ गई थी आइस की जिसको तोड़ना पड़ रहा था, वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा है नॉर्मल, अभी और आगे पूरा जम जाएगा, उस पर स्केटिंग कर सकते हो तुम, ये बढ़िया है भाई।
अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। हालांकि मैं जा चुका हूँ, मतलब पहले भी गया हूँ एक दो बार कश्मीर, बट उस बार शायद मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी ना, जब मैं वीडियो बनाता नहीं था शायद। तो इस बार जब गया था लास्ट ईयर तो उसकी वीडियोज़ बनाई थी मैंने, वो मेरे यूट्यूब पे हैंगी। और अब फिर जाएंगे जल्दी कहीं ना कहीं इस क्रिसमस या न्यू ईयर के बीच में, तो उसकी वीडियोज़ भी डाल देंगे। बट ये है कि जहाँ जाएंगे वहाँ बाई रोड जाएंगे, ये नहीं पता बाई बाइक जाएंगे या कार जाएंगे, क्योंकि यार देखो ठंड में ना ठंड जाती है, सच बात ये है। अगर तुम सोचो कि तुम बाइक से चले जाओगे ठंड में तो ठंडती है कंटिन्यूसली, इतनी बाइक चलाना ना मतलब बॉडी की हालत ख़राब जाती है। मुझे याद है क्योंकि मैं मनाली गया था बाई रोड, और अगर वो वीडियो देख लिया ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी है मनाली बाई रोड गए थे हम, कॉन्टिनेंटल जीटी और ये बुलेट ले गए थे हम, और वहाँ पे लिटरली मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी। जब मैं जा रहा था यहाँ से गया था ना, दिन तो था ठीक था बढ़िया था, जब शाम हुई ना भाई मतलब उंगलियों ने मेरे काम करना बंद कर दिया था, ऐसा हाल हो गया था। और जब होटल में चेक इन किया हमने, तो होटल में ये था कि डॉक्यूमेंट्स निकालने की हिम्मत नहीं थी कि निकाल दूँ, मतलब वॉलेट ही निकाल सक रहा था अपनी पॉकेट से कि मैं वॉलेट निकाल के दे दूँ उसको। तो मैंने उस वाले होटल वाले को पहले कहा, भाई पहले मुझे उबला हुआ पानी दे, मुझे अपने हाथ उसमें डाल लें, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे आगे। तो उसने मुझे पानी आग जो भी था वहाँ पे उसे प्रोवाइड करवाया, थोड़ा नॉर्मल हुई बॉडी, तब मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के चेक इन किया होटल में। तो बहुत गंदी हालत हो जाती है भाई, कहने की बात है कि ये जो लोग बनाते हैं ना ठंड में जाते हैं भाई, हिम्मत है भाई उनकी हिम्मत, जो कर लेते हैं। और सच बात है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है यार ये सब करना। अगर दिन का टाइम है एक बार को हो सकता है, दिन में मैंने भी कर लिया था, ये नहीं दिन में मैं वहाँ पे घूमा था सब कुछ किया था, बट रात में मेरे को 10-11 बज गए थे शायद पहुँचते समय, और उस टाइम पर वहाँ पर मतलब ऐसी तैसी हो गई थी मेरी रात को बाइक चलाने, मतलब ये उंगली एक जगह हाथ रख गए हैंडल पे तो बस रखे पड़े हैं, बस ये चूचा कुछ नहीं हो रहा था, बस चलते रहो बस शांति से। और ये मन में था बस कब पहुँचे ये लग रहा था, बहुत फटी थी मेरी वहाँ पे। तो ठंड में अगर बाय रोड जाना तो भाई मेरे हिसाब से कार वार से जाओ, 4-5 दोस्त बिठाओ मजे करो, बाइक से तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ बाइक गर्मी के लिए बहुत सही है, ठंड के लिए तो भाई गांड फाड़ है, सीधी बात है। मैं उस टाइम से थोड़ा सा वो हो गया था कि बाइक से यार ठंड में नहीं, गर्मी के लिए ठीक है ठंड में फट जाती है, कितना भी पहन लो जैकेट, मैंने तो दो तो जैकेट पहनी थी, बट हाँ ये भी है कि बहुत चेस्ट वहाँ ठंडी लग रही थी, साफ बात यह है ठंड हाथ में लग रही थी। और उसके लिए ना एक स्पेशल ग्लव्स आते हैं, रॉयल फील्ड भी प्रोवाइड करता है, वो ज़्यादा महंगे हैं नहीं है, 3,000 रुपये के साथ आते हैं रॉयल फील्ड से अगर लोगे तो, वो ग्लव्स दे रहे था बट मैंने वो ग्लव्स लिया नहीं क्योंकि वो मेरे को बड़ा अनकम्फर्ट हुआ था, बहुत भारी और बड़ा था वो, बट वो था इसीलिए कि मतलब स्नो में अगर ड्राइव करना है तो उसके लिए था वो, बट मैंने वो नहीं लिया था। तो भाई अगर ठंड में जा रहे हो ना एक बार सोचो कहीं जाने का, तो अपने आपको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, पहले कह रहा भाई बहुत ख़तरनाक सीन हो जाता है, मेरे साथ हुआ था। बट आते टाइम ये था कि जब मैं रिटर्न आया ना, तो मतलब जैसे दिल्ली में इंटर होते हैं ना तो इतना नहीं पड़ता, तो जैसे जैसे मैं इधर घुसोगे तुम क्या कहते हैं हरियाणा में इंटर करोगे, तो वहाँ पे हल्की कम बिल्कुल हल्की कम होनी स्टार्ट होती है, बट वो भी ऐसे फटती है ना भाई रात को, जब 12-1 बज रहे होते हैं रात को चलाओगे ठंड में फट जाती है। और मेरे टाइम पे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, मैं ऐसे आया था मतलब रिटर्न में बारिश भी स्टार्ट हो गई और जाते टाइम तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या है, गर्मी में गया हूँ मैं, गर्मी में ऋषिकेश हर जगह पर गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे कभी भी, तो मैं वही एक्सपीरियंस के चक्कर में चला गया। मैंने कहा कुछ होता तो है नहीं, मस्त चले जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था ठंड में ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी जो हुई, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर विंटर में कहीं घूमने जाना तो बाय रोड पर हो प्लान सबसे अच्छा भाई, अगर ठंड लग रही है कुछ हो रहा है। देखो हर चीज़ ठीक है बट खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए अपने साथ इतना कि कुछ भी कर ले आदमी, तो कार में कम से कम ये तो रहता है भाई तुम कुछ भी हो, 1% मान लो अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है गाड़ी में तुम्हारी, तो अपना बंद करके
हीटर ऑन करके आदमी चैन से सो सकता है, वेट कर सकता है सुबह तक का हर चीज़ तरह से। बाइक में अगर एक पंचर हो जाए तो ठंड में तुम कहाँ मरवाते फिरोगे, रोड साइड स्टैंड भी नहीं आते भाई। कहने के लिए है कि हाँ ठीक है, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी आती है ना कि तुम 5 मिनट का तुम्हारे अंदर वो नहीं होता सब्र की, 5 मिनट तुम सब्र कर लो कि हाँ आ रहा होगा आ रहा होगा। एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि सच में ऐसा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि हाँ रोड साइड असिस्टेंट वाले आएंगे मिनटों में बाइक थोड़ा ठीक हो जाती है, आएंगे करेंगे जाएंगे वो आएंगे, उनको बुलाने में टाइम जाने में टाइम, तो उसमें भी इरीटेट होता था बहुत ज़्यादा क्योंकि परेशान हो जाता है ना ठंड में। तो इसलिए कार मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया भाई, कार से मेरे साथ कार में यही चीज़ हुई थी। एक बार मनाली गए थे हम कार से और सेम विंटर ही था वो भी, विंटर में मुझे और ज़्यादा अच्छा ही लगता है। तो विंटर में हम गए थे तो उस टाइम पे भी सेम चीज़ हो गई थी, रात को जाम लग गया फर्स्टली, सेकंड बारिश हो गई। तो हमने क्या करा भाई, अपना गाड़ी जाम इतना था कि मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, हमने अपनी गाड़ी बंद करी वहीं पर, अंदर अपना गाने चलाए, गाड़ी के अंदर बैठे पड़े पूरी, मतलब रात ही पूरी जाम में गई थी वो। बट उसमें ये बेनिफिट था कम से कम सेफ और अंदर तो थे, अगर बाइक होती तो भाई भीगते रहते क्या पूरी रात, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो कुछ था नहीं कि अगल बगल खड़ा कर दूँ मैं अपनी बाइक को भाई, तो वो वाला सीन चल रहा था वहाँ पे। इसलिए विंटर्स में तो भाई मेरे तो मानो तो कार वार से जाओ किसी से, वैसे ना जाओ खामा खा की भसड़ है, खिलवाड़ हो जाता अपने साथ ही। पिछला ट्रिप पे गए थे वहाँ बीमार होके आ गए, अब देखो हम भी जाएंगे, अब कब जाएंगे ये नहीं पता, बट हाँ जाएंगे जल्दी दोबारा ट्रिप पे। और बाइक का तो खैर देखते हैं मूड पे है, बट बाइक से तो मुश्किल ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इतनी हिम्मत नहीं है, और मेरे साथ जो मेरी पार्टी है वो भी नहीं है इस टाइम पे, मतलब मेरा भाई है वो भी चला गया है बेंगलोर, तो अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं होएगी तो दोस्तों के साथ ही करना पड़ेगा। खैर देखते हैं, देखो बात करते करते हम भी पहुंच गए अपना ऑफिस। टाइम कितना हो रहा है अभी, 5 मिनट है, चलो सही पहुंच गए आज तो। चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि ऑफिस तो आ ही गया अपना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आप लोगों से जल्द ही किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone in.